दोस्तों, आप में से कई लोगों ने द केरला स्टोरी मूवी देखी होगी, उसके बारे में कुछ पढ़ा होगा या फिर सुना तो ज़रूर होगा। इस मूवी में बताया गया है कि कुछ लोग एक स्ट्रैटेजी बना के 3 लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ISIS ज्वाइन करवाते हैं। कुछ जगह इस मूवी को बैन किया गया है और कुछ जगह इसे टैक्स फ्री किया गया है। इसका लॉजिकल रीज़न ये है कि अगर किसी को इसके देखने से फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ इसे टैक्स फ्री किया जाएगा, और अगर किसी को इसके देखने से नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे इसे बैन ही किया जाएगा। बहुत सारे लोग इसे सच बताने लग रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे झूठ बताने लग रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, अगर हम चाहें तो सच का पता लगा सकते हैं। तो क्या इस मूवी में जो दिखाया गया वो सच है और क्या वो झूठ है, आज इसी के बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा जो डिबेट्स की गई हैं वो इस 32,000 वाले नंबर पर की गई है। कुछ ने इसे झूठ बताने की कोशिश की और कुछ ने इसे सच। अब ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि ये 32,000 वाला नंबर तो झूठ है, लेकिन 32,000 हो या एक, ये दोनों ही सिचुएशन खतरनाक है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमसे मीलों दूर बैठ के लोगों को ब्रेन वॉश कर अपनी साइड कर ले रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि उसका कितना बड़ा नेटवर्क होगा। ISIS का मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर कब्जा करना, और जो भी जगहों पर इन्होंने कब्जा किया है वहाँ पर शरिया लॉ इन्फोर्स करना, और जो भी इनके बनाए हुए कानून को नहीं मानता उसकी ज़िंदगी की इनके लिए कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या किसी और धर्म को माने। अलकायदा ने ही इसे बनाया था, लेकिन बाद में खुद से एक अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी। आपने ISIS की ब्रूटैलिटी के वीडियो देखे होंगे और अपनी इन टेररिज्म एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग कुरान का भी सहारा लेते हैं। जैसा कि कुरान के चैप्टर 4 वर्स 89 में गॉड ने कहा है कि वे चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने इनकार किया उसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम एक जैसे हो जाओ, इसलिए तुम उनमें से किसी को मित्र न बनाओ जब तक कि वे अल्लाह के मार्ग में प्रवेश न करें, फिर यदि वे मुँह फेरें तो उन्हें पकड़कर जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, और उनमें से किसी को मित्र या सहायक न बनाओ। कुरान के चैप्टर 47 वर्स 4 में गॉड ने कहा है, जब तक युद्ध में काफिरों से मिलो तो उनकी गर्दनों पर मारो, यहाँ तक कि तुम उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लो, फिर उन्हें मजबूती से बांध लो, बाद में उन्हें या तो अनुग्रह के कार्य के रूप में या युद्ध समाप्त होने पर फिरौती के रूप में मुफ्त करें। ऐसा ही होगा, यदि अल्लाह चाहता तो वह स्वयं उन्हें दंड दे सकता था, परंतु वह ऐसा इसलिए करता है कि तुम में से कुछ लोगों की परीक्षा दूसरों के द्वारा करें, और जो अल्लाह के मार्ग में शहीद हुए हैं वह उनके कर्मों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। लेकिन दुनिया भर की मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इनसे डिसएग्री करते हैं, वो ISIS को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानते हैं। बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटीज़ ISIS को क्रिटिसाइज करती है, जैसे कि इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट। यहाँ के स्कॉलर्स बहुत बार स्टेटमेंट जारी करके ISIS को क्रिटिसाइज करते हैं, वो पीस और ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स बताते हैं कि ISIS ने कुरान को मिस इंटरप्रेट करा है अपने फायदे के लिए। फ्रॉम बांग्लादेश, शी सेज दैट देयर आर पीपल हु क्लेम दैट अल-कायदा एंड द ISIS, the non-Islamic state of Israel, of Iraq and Syria, they are mujahideen. So what to do and what to talk about? They are not mujahideen. Come on. They are terrorists. And the impact of what they had done, how they changed the whole world, how they intimidated everybody, including the Muslims. It's not focused on the non-Muslims. Even the Muslims were negatively impacted by their actions. And अब अगर हम केरला में religious conversion की बात करें तो वहाँ पे ये problem है ज़रूर, कम या ज़्यादा इस पर debate की जा सकती है, लेकिन ये problem वहाँ पे है। 2015 की एक intelligence report में बताया गया था कि 2011 से लेकर 2015 के बीच 5,793 लोगों ने अपना religion छोड़कर इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। इन कन्वर्ट लोगों में 4,719 लोग हिंदू थे और 1,074 लोग क्रिश्चियन थे।
जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। कन्वर्ट हुए लोगों में आधे से ज़्यादा महिलाएं थी, जिनमें 76% की एज 35 ईयर से कम थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कन्वर्जन केरला स्टेट में कोझिकोड़े और मल्लापुरम के दो रिलीजियस एजुकेशन सेंटर्स द्वारा कराए गए थे। जो केरला मूवी की मेन कैरेक्टर है, उनका केस भी इसी से एसोसिएटेड है। इसके अलावा मल्लापुरम के एक रिलीजियस एजुकेशन सेंटर सत्य सारणी की वेबसाइट पर यह मेंशन किया गया था, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज गरीब मुसलमानों की गरीबी और उनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस इंस्टीट्यूट का ये मकसद है कि ये उन लोगों को आइडेंटिफाई करें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, और उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें वापस इस्लाम के एकेश्वरवाद को सिखाए और वापस उन्हें इस्लाम में लाया जाए। अब्दुल रहमान बकावी का कहना था कि 1970 में के अलवी, जो एक मुस्लिम थे, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे, और 2000 में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट मरकजुल उल बिसारा एस्टेब्लिश किया था। तो उन्हें उस इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज़ को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। जुलाई 2016 में केरला के कासरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 15 अलग अलग लोगों के गायब होने की FIR उनके घर वालों द्वारा पुलिस में रजिस्टर कराई जाती है। जब पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है, तब पता चलता है कि ये लोग ISIS ज्वाइन करने अफगानिस्तान जा चुके हैं। बाद में ये केस NIA को ट्रांसफर कर दिया जाता है। NIA जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करता है तो पता चलता है इनमें से एक आदमी अब्दुल राशिद अब्दुल्ला अक्यूज नंबर 1 ने सोनिया सेबेस्टियन, जो एक क्रिश्चियन थी, उससे शादी की थी। बाद में वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई थी। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला के कनेक्शन ISIS से थे, वो ISIS के सीक्रेट क्लासेस भी लेता था। वहाँ से सीख कर जो लोग कन्वर्ट हुए थे उन्हें वो लेक्चर्स देता था और बताता था कि कैसे ISIS सही है, वो सही रास्ते पर है। इन्हीं बातों से इंस्पायर होके पहले मेरीन जेकब ने अपना धर्म क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट किया। उसके बाद दिसंबर 2015 में निमिषा ने अपना धर्म हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट किया। इस मूवी में इन लड़कियों की कहानी ही बताई गई है। कन्वर्ट होने के बाद निमिषा, जो कि फातिमा थी, वो शादी करती है बैक्सन से, और मेरीन जेकब, जिसका नाम अब मरियम था, वो शादी करती है बेस्टिन से। इसके बाद ये लोग रिलीजन की पढ़ाई करने के लिए अब्दुल राशिद अब्दुल्ला के साथ श्रीलंका चले जाते हैं। वहाँ पे भी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने लगते हैं, वायलेंट जिहाद को प्रमोट करने लगते हैं। जब वहाँ के टीचर्स को यह पता चलता है तो वहाँ से भी इन्हें निकाला जाता है। जब इन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है और जब ये वापस इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद इन्हें लगता है कि अब ये यहाँ नहीं रह सकते, अगर इन्हें इस्लाम को ढंग से फॉलो करना है तो इन्हें ये देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में शरिया लॉ को ढंग से फॉलो नहीं किया जा सकता और ये काफिरों का देश है। ये प्लानिंग होती है अराउंड फरवरी 2016 में। मई 2016 में ये लोग अफगानिस्तान चले जाते हैं। कुल मिला के 15 लोग अफगानिस्तान चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद भी अब्दुल राशिद अब्दुल्ला यहाँ दूसरे लोगों से कॉन्टेक्ट में था। 1 अगस्त 2016 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक औरत यास्मीन मोहम्मद जाहिद को गिरफ्तार किया जाता है। इंटरोगेट करने पर पता चलता है कि वो इन लोगों को ज्वाइन करने अफगानिस्तान जा रही थी। उनके पास से कुछ पेन ड्राइव्स मिलती है जिनमें ISIS से रिलेटेड वीडियोस थे, और एक मोबाइल नंबर मिलता है जिससे वहाँ वो कॉन्टेक्ट कर पाते थे। और पता चलता है कि अब्दुल राशिद अब्दुल्ला ने अपनी वाइफ सोनिया सेबेस्टियन के अकाउंट से इन्हें कुछ पैसे भी ट्रांसफर करे थे, जिनको इन्होंने टिकट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इसमें अब्दुल राशिद अब्दुल्ला के अलावा और भी लोग शामिल थे। इसमें मुंबई की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर अर्शी कुरेशी भी शामिल थे। अशफाक मजीद, जो कि इन 15 लोगों में से एक था, वो 2011 में जब BCOM की पढ़ाई कर रहा था, अर्शी कुरेशी के कॉन्टेक्ट में आता है और वो उसे वायलेंट जिहाद के बारे में समझाते हैं और वो इससे इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद वो अपने गांव के दूसरे लोगों का रेफरेंस भी अर्शी कुरेशी को देता है। इनके अलावा मौलाना हनीफ, जो कि कासरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पढ़ने विलेज के मस्जिद के एक इमाम थे, वो भी उनको यही सब सिखाने लग रहे थे। जो लोग अफगानिस्तान गए थे
उनके घर वालों से जब पूछा गया तो पता चलता है कि जब से वो इन पांच लोगों के कॉन्टेक्ट में आए थे उनकी सोच काफ़ी रेडिकल हो गई थी। इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा इन लोगों से इन्फ्लुएंस थे। अर्शी कुरैशी, मौलाना नईब और रिजवान इलियास खान को तो पुलिस जेल में डाल देती है। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला और शिहाज अफगानिस्तान चले जाते हैं। फिर नवंबर 2018 में कुछ और लोग अफगानिस्तान चले जाते हैं। कुल मिलाकर वहाँ पर 60 इंडियंस होते हैं जो कि अफगानिस्तान के नागरान में आईएसएस कंट्रोल टेरिटरी में रह रहे होते हैं। 60 लोगों में 26 आदमी थे, 13 महिलाएं थी और 21 बच्चे थे। वहाँ पर लगातार इन पर अफगान फोर्सेस और तालिबान फोर्सेस द्वारा अटैक होते रहते हैं। इस वजह से पूरा टाइम ये अफगानिस्तान में इधर से उधर भागने में ही लगे हुए थे। अप्रैल 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स अपने सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन्स इन पर गिराता है जिस वजह से काफ़ी लोग मारे जाते हैं। 2016 से लेकर 2019 तक 24 इंडियंस मारे जाते हैं और बचे हुए लोगों में से 10 औरतें और 21 बच्चे अफगान फोर्सेस के सामने सरेंडर कर देते हैं। इन्होंने सरेंडर किया था उनमें निमिषा फातिमा भी थी जिसकी लाइफ से इंस्पायर होकर ये मूवी बनाई गई है। अब अगर हम केरला स्टोरी मूवी को रियल लाइफ से कंपेयर करें तो हकीकत में कोई भी इंसान इतना भोला नहीं होता कि इतनी आसानी से ब्रेन वॉश हो जाए। इन लोगों ने अपना रिलीजन कन्वर्ट करके आईएसएस ज्वाइन करने का क्यों सोचा, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हम इंसान सबसे पहले अपना फ़ायदा देखते हैं। हो सकता है इन्हें लगा हो कि अगर ये अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं तो इन्हें एक बेहतर ज़िंदगी मिले। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो केरला स्टोरी मूवी की कुछ बातें तो अच्छी थी और कुछ बातें सही नहीं थी जो मूवी में दिखाया गया। अगर वो सही में कभी हो तो लोग उसे अवेयर हो सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ चीज़ें जो ख़राब लगी वो ये थी कि इसमें जिस तरह से मुसलमानों को दिखाया गया है उससे हमें उनको देख के काफ़ी गुस्सा आने लगता है। इससे एक लड़ाई का माहौल बनने की संभावना रहती है, तो इस वजह से ये चीज़ सही नहीं है।